आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ ना, उसका टॉपिक है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हिट ट्रेनिंग। आजकल ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका हुआ है। अगर आपको इस ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता तो यू आर लिविंग इन द स्टोन एजेस एंड यू नीड टू गेट अपडेटेड। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग काइंड ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल इफ़ यू डोंट नो। और इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह के इसका नाम बता रहा है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसके अंदर आप अपनी फुल एफर्ट देते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। वो कुछ सेकंड्स होते हैं, इट कुड बी 30 सेकंड्स, इट कुड बी 45 सेकंड्स और इट कुड बी अ मिनट, एंड देन इट इज़ फॉलोड विद अ रेस्ट पीरियड, वो भी 30 या 45 या 60 का होता है। सो डिपेंडिंग कि आपका ट्रेनर और आपकी क्या नीड्स हैं, उसके हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एक्सिक्यूट की जाती है। नाउ आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स विद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, बिकॉज आजकल ये बज वर्ड है, सारे लोग कर रहे हैं। सो आई एम होपिंग कि जब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ना, इस इन्फॉर्मेशन को जब आप अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। दैट इज़ माई कमिटमेंट टू यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी हिट ट्रेनिंग के अंदर एक प्रोग्रेशन प्लान होना चाहिए, मीनिंग के आपकी जो फिटनेस है, इट हैज़ टू वट एवर प्रोग्राम यू आर डूइंग हिट प्रोग्राम, उसके अंदर आपकी फिटनेस को मद्देनज़र रखना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नॉट एबल टू डू स्क्वाट्स, there is no point doing jump squats because you will only end up injuring yourself। और most cases में ये होता है कि burpees जैसी exercises, जिन लोगों को ये नहीं पता कि उन्होंने proper bending movements कैसे करनी है, back की lumbar stabilization क्या होगी, उनको burpees कराई जा रही हैं और ये total disregard है। इससे you're just inviting injuries, number one। number two, आप जो भी movement करने जा रहे हैं, जो workout करने जा रहे हैं, उसके अंदर movement patterns आपके पता होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू डू सम पुशअप्स एंड सम स्क्वाट्स और सम टूल, आजकल टूल्स भी मार्केट में आएंगे, TRX है, सस्पेंशन ट्रेनिंग और डिफरेंट टूल्स हैं, आपको पहले उनकी यूजेज आनी चाहिए। सो योर ट्रेनर आइडियली शुड मेक यू डू दोज एक्सरसाइजेज इन ए नॉन टाइम्ड फॉर्मेट। पहले आप उन एक्सरसाइजेज को समझेंगे, फिर उसके बाद आप एक टाइम फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि यूजुअली जब मैंने देखा है कि जिस तरह लोग करवाते हैं ये चीज़ें, तो उसके अंदर इंजरी चांस ही होता है, पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो मूवमेंट पैटर्न्स जब नहीं बने होंगे, एक्सिक्यूशन और एंगल्स प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपको ना तो बेनिफिट वो मिलता है और बल्कि इंजरी का चांस होता है। तो लिहाजा इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि रेस्ट पीरियड को आपने इंडिविजुअलाइज करना है। बहुत से ट्रेनिंग फॉर्मेट्स के अंदर ये देखा गया है कि रेस्ट पीरियड जो है वो एक 30 सेकंड्स का है, यानी कि कम से कम रेस्ट पीरियड रखा जाता है कि जितनी वो हम कहते होते हैं पंजाबी में मिज निकाल सकते हैं ना क्लाइंट की, वो निकालने की कोशिश करते हैं, कम से कम रेस्ट देते हैं। हालांकि साइंस, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हमें अब ये बता रही है कि रेस्ट पीरियड जब ज़्यादा होएगा ना, उतनी ही आपकी रिकवरी बेहतर होएगी, जितनी रिकवरी बेहतर होएगी उतना आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस और आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। सो डोंट इग्नोर द फैक्ट दैट यू नीड टू रेस्ट। और इस केस में भी जो बल्कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी आ रहा है कि पीयर प्रेशर फील नहीं करना। यूजुअली ये हाई इंटेंसिटी प्रोटोकॉल्स ग्रुप फॉर्मेट के अंदर होती हैं, मतलब कि 8, 10, 15 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हर इंसान एक दूसरे से प्रेशर फील कर रहा है कि यार जो वो कर रहा है तो मुझे उससे ज़्यादा करना है। एक अना का मसला बनाया जाता है एक्सरसाइज क्लासेस के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली ट्रेनर्स इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे कि आप अपनी पेस पे चलें। तो लोग क्या कर रहे हैं कि रेस्ट पीरियड को भी इग्नोर कर रहे हैं, अपनी एक दूसरे को देखते हुए वो प्रेशर फील करते हुए अपनी फिज़िकल फिटनेस को इग्नोर कर रहे हैं, और जो क्लास में हो रहा है उसको उस फ्लो में चलते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़, इफ़ यू नीड टू स्टॉप एंड इफ़ द प्रोग्राम इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, टेक अ ब्रेक इन बिटवीन। यहाँ पे कोई अना का मसला नहीं, नोबडी इज़ थ्रोइंग एट देयर ईगोज एट अदर्स, और अगर कर भी रहे हैं तो आपने अपने आप को देखना है, फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट्स वेयर यू गोना गेट बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद फाइनली ये कि आपकी जो बल्कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से, उसको भी अलाइन करने की ज़रूरत है कि एक्सरसाइज इज़ नॉट द बी ऑल एंड ऑल। यानी कि जस्ट बिकॉज यू आर गिविंग इट इन 7 days एंड यू आर गिविंग 45 मिनट्स ऑफ हिट ट्रेनिंग, एंड इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वाइटमिन्स, डोंट एक्सपेक्ट द वर्ल्ड आउट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और प्रोग्राम, बिकॉज एक्सरसाइज का एक लिमिटेड रोल है, उसको ज़्यादा करने से ये नहीं कि ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ रहा है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की प्रोग्रामिंग की साइंस है, और वो साइंस क्या है कि इसके अंदर हम कहते हैं इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन, यानी कि इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वर्कआउट की, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी उतनी कम होनी चाहिए, यानी कि एक रिवर्स इनवर्स रिलेशनशिप है।
مثال کے طور پر آپ کے ورک آؤٹ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, وہ آپ سے بہت زیادہ انرجی اور ڈیمانڈز مانگ رہی ہے, تو ٹیکنیکلی اس کی ڈیوریشن اس ورک آؤٹ کی کم ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر انٹینسٹی زیادہ ہے تو نمبر آف ڈیز, جس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں پروگرامنگ سائنس میں, وہ نمبر آف ڈیز کم ہونے چاہیے. میں نے عموماً یہ آبزرو کیا ہے کہ ہٹ ٹریننگ پروٹوکالس کے اندر انٹینسٹی بھی مطلب انتہا کو پہنچی ہوئی, ریسٹ پیریڈ بالکل کم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 45 منٹس کے ورک آؤٹ ہے, 45-60 منٹس کا ورک آؤٹ ہے 5 days a week. دیٹ از کلنگ یور سیلف. مطلب اس پروسیس کے اندر آپ اپنی باڈی کو نہ تو کوئی ریکوری دے رہے ہیں, نہ آپ اپنی باڈی کی اپنی انڈیویجول آواز کو سن رہے ہیں. یو جسٹ گوئنگ ان دیٹ میٹ گرائنڈر فلو, اور اس سے کیا ہوئے گا, یو ول جسٹ اینڈ اپ انجرنگ یور سیلف اینڈ یو ول پروبیبلی کمپرومائز اے لاٹ آف لین مسل ٹیشو. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ہٹ ٹریننگ سے ریلیٹ کرتی ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو, اف یو کین ٹاک ٹو یور ٹرینر, گڈ انف, بٹ اف یو ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ہیو اے کانورسیشن ود ہم اور ہر, دین ڈیزائن یور اون پروگرام اینڈ لسن ٹو یور باڈی. اور ان پروگرامنگ پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا پروگرام خود ڈیزائن کر سکتے ہیں. دیٹس واٹ دس ویڈیو از فار. سو اف یو آسک می ان دی اینڈ کہ از ہٹ ٹریننگ اے گڈ پروٹوکال, از اٹ پروڈکٹیو, یس, بٹ اونلی اف یو کیپ دی ابو کنسیڈریشنز ان مائنڈ. اگر آپ ان باتوں کو اگنور کریں گے دین ہٹ ٹریننگ از اے بگ نو نو. سو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیلپس یو. لیٹ می نو یور تھاٹس اینڈ کامنٹس اباؤٹ ہٹ ٹریننگ, واٹ ایور یور کنسرنز آر, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دیم ایز سون ایز پاسبل. اللہ حافظ.